Good morning everyone. I'm Surbhi Shukla and today we are going to study about midday meal program. So what is midday meal program? Midday meal program is also known as school lunch program. Means जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे भी बच्चे प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इज ऑल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम. द स्कूल मिड डे मील प्रोग्राम इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस 1961. सिंस 1961 से फ्रॉम 1961 से ये प्रोग्राम जो है इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम. जो नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आए थे उसके अंडर में ये मिड डे मील प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था. So we are moving toward the history. What is the history behind this program? How it was started and in which state firstly it was started? In 1925 it was introduced in Madras cooperation by the British administration. Firstly it was introduced in Madras by the cooperation by the British administration. Next it was introduced in Union Territory of Pondicherry by French administration in 1960. Firstly it was introduced in Madras, today it all known as Chennai. और इसके बाद नेक्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पॉन्डिचेरी मींस 1925 में मद्रास में, उसके बाद 1930 में यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉन्डिचेरी. नेक्स्ट 1960s में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ के कामराज नंदर. And in 1982 is decided to universalize the program for all children in government school in primary classes under the Chief Minister Dr. M.G. Ramachandran. Means it first ever in India this midday meal program, this idea was introduced by the Madras government in 1925. The main idea behind this program was to provide nutrition to the students, primary students, and also to gain their attendance, because there were so many students which are not able to attend schools. There are so many reasons. कुछ reasons रहते थे जिसकी वजह से बच्चे school attend नहीं करते थे और malnutrition बढ़ रहा था. तो main idea behind this program was to provide nutrition और 100% attendance दोनों होने चाहिए. तो this was introduced by Madras government 1925. then इसके positive results के बाद ये 1930 में पॉन्डिचेरी में भी इंट्रोड्यूस हुआ. then in 1960 ये तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ एंड 1982 के बाद यूनिवर्सलाइज का प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रेंस इन गवर्नमेंट स्कूल कुछ टेरिटरी में हुआ था. देन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे उस स्टेट के ये सबके लिए इंट्रोड्यूस हो गया. मतलब ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल will have this program. Tamil Nadu's midday meal program is among the best known in the country. Tamil Nadu ka jo midday meal program tha is the best program known in the country. Kerala started providing cooked meal since 1995, so did मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन सम पार्ट. केरला में स्टार्ट हो गया नेक्स्ट ये प्रोग्राम जिसमें वो कुक्ड मील प्रोवाइड करने लगे 1995 में हुआ स्टार्ट. उसके बाद मध्य प्रदेश एंड सो ऑन उड़ीसा में. ऑन नवंबर 28, 2001 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव अ लैंडमार्क डायरेक्शन विच मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कुक्ड मील टू ऑल चिल्ड्रंस इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल्स. 28 November 2001 Supreme Court of India has gave a landmark direction in which it obligatory for government. सारे government schools और जितने भी government assisted primary schools हैं सब में ये compulsory हो गया कि they have to provide a cooked meal to the primary school childrens. मीन्स केरला में पहले केरला में नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1995 में, फिर मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में, ऐसे करके सम स्टेट्स में ये हो गया. नेक्स्ट 28 November 2001 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोग्राम है हर जगह हर स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए. द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बाय 2005. मीन्स 2001 में ये कोर्ट ने बोला था. नेक्स्ट इसको इम्प्लीमेंट करते करते पूरी तरह से ये जो इम्प्लीमेंट हुआ हर एक स्टेट में वो 2005 में हुआ है. मिड डे मील प्रोग्राम है क्या? मिड डे मील स्कीम इज स्कूल मील प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
डिज़ाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रेन नेशन वाइड. जितने भी अपने नेशन जितने भी इंडिया में स्कूल एज चिल्ड्रंस थे उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये मिड डे मील स्कीम को डिज़ाइन किया गया था. जिससे कि क्या हो रहा था, जितने भी माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था अंडर फाइव तक के बच्चों में, जब माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था तो उसको ओवरकम करने के लिए नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंडर में इन्होंने मिड डे मील स्टार्ट करा, जिससे कि अटेंडेंस भी बढ़ेगी और बच्चों को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड भी मिलेगा. नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स. अब क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू इनहेंस द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल. क्या चिल्ड्रंस, क्या जो बच्चे हैं रिमोट एरिया के, ज़्यादातर वो बच्चे एडमिशन्स नहीं लेते थे स्कूल्स में, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे फॉर सम रीजंस. अगर आप पूछोगे तो उनके डिफरेंट रीजंस रहते थे, लाइक दे हैव टू वर्क इन फील्ड, उनको फील्ड में काम करना पड़ता था, या पेरेंट्स का हाथ बटाना है, या जो भी रीजंस थे उस रीजंस की वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे. एंड इसमें से ज़्यादातर गर्ल चाइल्ड्स होते थे, गर्ल चाइल्ड्स को भी स्कूल अटेंड करने के चांसेस नहीं मिल पाते थे. इसलिए ये मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, पेरेंट्स जो रिमोट एरिया के, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पुअर पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन टू देयर चिल्ड्रन, एक टाइम का खाना ही बच रहा है, तो वो बच्चों को इस नाम से भी स्कूल भेजने लगे. तो इससे क्या हुआ, एडमिशन्स जो थे स्कूल में वो बढ़ गए. टू इनहेंस द स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड रिटेंशन, ऑब्वियसली एडमिशन बढ़े, ठीक है. अब पहले बच्चे जो भी जो एडमिशन लेने के बाद स्कूल्स में नहीं आते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता था, बच्चे एडमिशन तो लेते थे पर आते नहीं थे. दे हैव सो मैनी रीजंस, लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि उनको फील्ड में काम करना रहता था, या वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में, जो भी है, इस चक्कर में वो आते नहीं थे. तो इस प्रोग्राम की हेल्प से उनको क्या मिला, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस. टू इम्प्रूव द लिटरेसी ऑफ द चिल्ड्रेन, इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम था, लिटरेसी रेट बढ़ाना था, हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना था, इसलिए ये प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ. इसकी वजह से क्या हुआ, एडमिशन ज़्यादा बढ़ गए, अटेंडेंस बढ़ने लगी, बच्चे रेगुलरली स्कूल आने लगे, और लिटरेसी रेट भी क्या हुआ, बच्चों में इंक्रीज होने लगा. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम. वॉट आर द प्रिंसिपल्स? द मील शुड बी सप्लीमेंटेड, नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ द होम डाइट. सप्लीमेंट देना था, ना कि सब्सटीट्यूट ऑफ होम डाइट. होम डाइट का पूरा सब्सटीट्यूट नहीं देना था, मीन्स घर का जो खाना है जो बन रहा है हमें उसका सब्सटीट्यूट नहीं देना था, हमें एड ऑन करके कुछ सप्लीमेंट्स देने थे. लाइक गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था, हमें जितना भी बच्चे को किलो कैलोरीज चाहिए उसका हाफ, और उसका जितना भी प्रोटीन चाहिए रहता है उसका हाफ प्रोटीन हम ये मिड डे मील से प्रोवाइड करवा रहे हैं. द मील शुड सप्लाई एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन. मतलब जितना भी किलो कैलोरी बच्चे को लगता है उसका 1/3 ही मिड डे मील प्रोग्राम में लगता है, एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन कैसे होता है, जैसे अगर बच्चा 20 kg का है तो प्रोटीन भी उतने ही अमाउंट का चाहिए रहता है ना, प्रोटीन भी उतने अमाउंट का बॉडी को चाहिए रहता है. तो हाफ मीन्स हम 10 प्रोवाइड ये मिड डे मील के थ्रू हम कर रहे हैं. मतलब जितना एनर्जी टोटल बच्चे को चाहिए उसका 1/3 एनर्जी ही मिड डे मील प्रोवाइड करेगा, और प्रोटीन का हाफ प्रोटीन मिड डे मील प्रोवाइड करता था, बाकी का वो क्या है, होम डाइट से बच्चा लेता था. द कॉस्ट ऑफ द मील शुड बी रीजनेबली लो. जो मील का कॉस्ट है वो लो होना चाहिए, मीन्स ज़्यादा जो कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्टली फूड नहीं खरीदना तो नहीं प्रिपेयर करना रहता है. मिड डे मील में लो कॉस्टली जो मील होता है वो प्रिपेयर करते हैं. द मील शुड बी ऑफ दैट विच कैन बी ईजिली प्रिपेयर, और ऐसा मील चूज़ करना चाहिए जो कि ईजिली प्रिपेयर, क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा रहता था, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था, साथ में हमें एनर्जी का और प्रोटीन का भी ध्यान रखना है, बच्चों को न्यूट्रिशन देना है प्रॉपर, उसका भी ध्यान रखना है. इसलिए हमें क्या ध्यान रखना था कि जो मील है वो ईजिली प्रिपेयर हो सके, मेड आउट ऑफ लोकली अवेलेबल फूड टू रिड्यूस द कॉस्ट. हाँ, जो भी फूड लोकली उस एरिया में अवेलेबल हो हमें उसी से मील क्या है प्रिपेयर करना है. मींस जो भी मिड डे मील प्रिपेयर हो रहा है इट शुड बी फ्रॉम लोकली अवेलेबल फूड, जो भी उस एरिया में जितने जिस टाइप के भी फूड अवेलेबल. लाइक साउथ में आप देख लो तो वहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं, आटा कम खाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का मील और मेन्यू बनता है.
जिसमें चावल की क्वांटिटी या चावल अमाउंट जो भी है ज़्यादा, मीन्स अगर वहाँ आटा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, मिलता है पर इतने अमाउंट में अगर उस लोकली एरिया में नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर से इम्पोर्ट, तो ये कॉस्टली पड़ जाएगा। तो जो भी वहाँ लोकली अवेलेबल है हम उसी मील से क्या पूरा मील तैयार करेंगे। फ्रिक्वेंटली चेंजेस इन मेन्यू टू अवॉइड मोनोटोनी, मेन्यू को भी फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। वैसे ये मिड डे मील में होता है, अगर किसी आंगनबाड़ी में आप जाके पूछोगे आंगनबाड़ी के बारे में तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मेन्यू डिसाइड रहता है। लाइक मंडे अगर दलिया बन रहा है तो ट्यूसडे तिल के लड्डू बन रहे हैं, गुड़ के, तो ऐसा कुछ कुछ मील रहता है। दाल चावल बन रहे हैं तो कौन सी सब्ज़ी बन रही है, ऐसे सब्ज़ी के भी डेज डिवाइडेड रहते हैं कि किस दिन क्या मेन्यू पे रहेगा। नेक्स्ट नोट, द मिड डे मील प्रोग्राम बिकेम द पार्ट ऑफ द मिनिमम नीड प्रोग्राम इन फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। फाइव ईयर्स प्लान्स जो थे उसमें ये पार्ट बन गया, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में मिड डे मील प्रोग्राम। नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 15th August 1995। इट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 2408 ब्लॉक्स इन द कंट्री। पहले 2408 ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट हुआ। बाय 1997 और 98 तक दिस प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द कंट्री। इनिशियली इट इज सर्व्ड ओनली फॉर, मैंने बताया था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पहले ये सॉफ्ट हो रहा था। फिर 2002 में क्या हुआ, टू स्टडिंग एजुकेशन गारंटीड स्कूल एंड ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्ड वर आल्सो कवर्ड। नेक्स्ट सेंट्रल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम कंसिस्ट ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट 100 ग्राम पर चाइल्ड पर स्कूल डे एंड सब्सिडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या था, 100 ग्राम पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग ये स्कीम में था कि फ्री सप्लाई होना चाहिए फूड ग्रेन्स एट 100 ग्राम पर चाइल्ड, ठीक है, और सब्सिडी भी मिलता था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए, जो भी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का लगता था। स्कीम वॉज रिवाइज इन 2004 टू प्रोवाइड कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम। दिस स्कीम क्या हुआ, स्कीम रिवाइज हुई 2004 में, कुक्ड मिड डे मील प्रोग्राम दैट वुड ईल 300 किलो कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। क्या ये स्कीम 2004 में रिवाइज हुई जिसमें कुक मिड डे मील मिलने लगा, जिसमें से मैंने बताया था 1/3 ऑफ किलो कैलोरी मिलनी चाहिए और हाफ प्रोटीन, मीन्स 300 किलो कैलोरी अबाउट और 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस तक के बच्चों को मिलने चाहिए। एज पर रिविजन मेड इन October 2007, द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू कवर चिल्ड्रेन इन प्राइमरी क्लासेस अपर प्राइमरी क्लासेस फ्रॉम 6th to 8th ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। इसके बाद 2007 में अक्टूबर में स्कीम क्या हुई, एक्सटेंडेड हुई। पहले ये प्राइमरी क्लासेस के लिए थी, मीन्स 1 to 5th तक के बच्चे इस स्कीम के अंडर कवर हो रहे थे, इस प्रोग्राम के अंडर कवर हो रहे थे। नेक्स्ट अब हमने अपर प्राइमरी क्लास को भी ले लिया गवर्नमेंट ने, जिसमें 6th to 8th क्लास तक के बच्चे भी कवर हो गए। नेक्स्ट पर्पस क्या था, वट वॉज द पर्पस, सेम पर्पस, क्यों हमने क्यों गवर्नमेंट ने 6th to 8th तक के बच्चों को भी इंक्लूड करा और गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एसोसिएटेड अपर प्राइमरी स्कूल्स के, टू इन्हेंस द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन स्कूल। सेम रीज़न, बच्चों का एनरोलमेंट चाहिए था स्कूल में, मतलब एडमिशन बढ़ाना था बच्चों का। एज बच्चे क्या हो रहे थे, खाना बंद हो गया या मिड डे मील प्रोग्राम बंद हो गया फिफ्थ तक में जो भी था, तो एडमिशन्स क्या हो रहे थे, वापस से वैसे ही हो रहे थे, तो ये बढ़ा दिया गया जिससे बच्चों के क्या हो, एडमिशन्स वापस से हमें मिल पाए। टू इनहेंस द स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड रिटेंशन, सेम बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते थे, ज़्यादातर लीव पे रहते थे, तो बच्चों के क्या हुआ, अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, अगेन बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए ये प्रोग्राम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को चलाया गया, जिससे कि हर एक बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए और माल न्यूट्रिशन ना हो।
ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लास फर्स्ट टू एट, स्टडिंग इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड EGS एंड AIE सेंटर्स. ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव था बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना. जैसे मैंने बताया कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ड्यू टू पुअर कंडीशन. ठीक है, न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत कम था, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा था. इस चक्कर में क्या करा, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को मिड डे न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंडर मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करा. अब 1 to 8 क्लास तक के बच्चों को ये प्रोग्राम मिड डे मील मिलने लगा, जिससे कि क्या हो, माल न्यूट्रिशन बच्चों में ना हो, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो जाए. Encouraging poor children belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them concentrate on classroom activities. Same, poor children जो थे, जो मैंने बताया poor थे, below poverty line थे, ऐसे बच्चों को क्या करा, encourage करना था, जिससे कि वो अपने attendance को क्या करें, बढ़ाएं. Attendance बढ़ाने के लिए अब मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या हो रहा था, ऐसे बच्चों की attendance बढ़ रही थी, और उनको ये भी इनकरेज कर रहे थे कि क्लासरूम में भी कॉन्सेंट्रेट करें, कौन सी क्लासेस चल रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ कराई जा रही है बाय द टीचर्स. उनको इनकरेज करते थे कि वो क्या करें, उन सब में पार्टिसिपेट करें. ऐसे उनका लर्निंग बढ़ता था, लिटरेसी बढ़ती थी, उनका एजुकेशन बढ़ता था, और साथ ही साथ उनका न्यूट्रिशन भी बढ़ता था. प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज डॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग द समर वेकेशन. न्यूट्रिशन सपोर्ट करते थे प्राइमरी न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द चिल्ड्रेंस ऑफ प्राइमरी स्टेज इन डॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग समर वेकेशन. समर वेकेशन में ऐसे जो एरिया जो डॉट से अफेक्टेड थे, ऐसे एरियाज के बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी ये मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा था. ओके, नाउ फूड नॉर्म्स अंडर मिड डे मील प्रोग्राम. ये क्या है कि फॉर प्राइमरी क्लासेज एंड फॉर अपर प्राइमरी क्लासेज बच्चों को कितना कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए. लाइक फूड ग्रेन्स 100 grams. फूड ग्रेन्स में क्या आ गए, लाइक वीट है ना, राइस, ये सारे ग्रेन्स हो गए. तो ग्रेन्स कितना बच्चों को मिलना चाहिए, 100 grams मिलना चाहिए. मैंने पहले बताया जो भी लोकली अवेलेबल मार्केट में फूड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना रहता है. अगर राइस ज़्यादा अवेलेबल है या वीट ज़्यादा अवेलेबल है, वट एवर द फूड ग्रेन्स अवेलेबल इन लोकल मार्केट, उससे मील प्रिपेयर होता था. तो 100 grams चाहिए था प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को, मीन्स 1 to 5th क्लास में जो बच्चे थे, और 150 grams चाहिए था 6 to 8th क्लास तक के बच्चों को. नेक्स्ट पल्सेज. पल्सेज में आपकी सारी आ गई बीन्स, इंक्लूडिंग बीन्स एंड ग्राम्स. ठीक है, उसमें 20 grams जो पल्सेस थी वो किसको चाहिए रहती थी, प्राइमरी क्लास मीन्स 1st to 5th क्लास तक के जो बच्चे थे. नेक्स्ट 30 grams की किसको चाहिए रहती थी, 6 to 8th क्लास के जो बच्चे थे. नेक्स्ट वेजिटेबल 50 grams फॉर प्राइमरी क्लासेस मीन्स 1st to 5th क्लास तक के जो बच्चे थे, एंड 75 grams किस अमाउंट किसके लिए होना चाहिए, 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए. ऑयल एंड फैट 5 grams तक का होना चाहिए 1st to 5th क्लास तक के बच्चों के लिए. नेक्स्ट 7.5 grams तक मिलना चाहिए अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों को, मीन्स 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को. सजेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिशनल मील. क्या सजेशन है, कैसे न्यूट्रिशनल मील को हमें प्रिपेयर करना है. फूड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर. जो भी फूड बन रहा है या रॉ फूड जो भी है जो यूज़ कर रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम के लिए, मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए, वो एक एयर टाइट कंटेनर में रहना चाहिए. यूज़ होल वीट और ब्रोकन वीट. होल वीट यूज़ होना चाहिए या फिर ब्रोकन वीट. होल वीट समझ में आ गया, और या फिर ब्रोकन वीट में दलिया भी हो सकता है. राइस शुड बी पर बॉइल्ड और अनपॉलिश्ड. ठीक है, बॉइल्ड होना चाहिए अच्छे से, और अनपॉलिश्ड राइस लेना पड़ेगा. ठीक है, सिंगल डिश मील विद वेजिटेबल इज एडवोकेटेड. सिंगल डिश मील होना चाहिए मीन्स 1 vegetable होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत टाइप के वेजिटेबल है, वेजिटेबल ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बट एक टाइप के वेजिटेबल, दाल रोटी सब्जी, ऐसा करके सिंगल मील होना चाहिए. सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन शुड बी यूज. ठीक है, सीरियल्स का और पल्सेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए. स्प्राउट पल्सेस
शुड बी इंक्लूडेड. स्प्राउट पल्सेस को भी इंक्लूड करना, जो भी स्प्राउट्स होते हैं ना उसके पल्सेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे क्या क्या मिलेगा, ज़्यादा प्रोटीन बच्चों को मिल पाएगा. वॉश दी इंग्रीडियंट्स बिफोर कुकिंग. और बेसिक पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इंग्रीडियंट्स आप अपने मील को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हो उनको पहले वॉश करना है. फर्मेंटेशन इंप्रूव्स इन न्यूट्रिशनल वैल्यू. कुकिंग मस्ट बी डन विद विद लिड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिशन. लिड से कवर करने के बाद भी कुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिशन का वेस्टेज ना हो. ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड. ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, इससे क्या होता है फूड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. ओवर कुकिंग, कुक्ड फूड नहीं होना चाहिए. अवॉइड रीहीटेड ऑयल. ऐसा होता है कभी कभी कि कई कई जगह कि एक बार ऑयल यूज़ करा एंड वो यूज़ हो गया, उसके बाद उसको वापस कंटेनर में पोर कर लिया और नेक्स्ट टाइम के लिए वो सेम ऑयल यूज़ करा जाता है. दिस इज़ वेरी बैड. ऐसे ऑयल्स यूज़ नहीं होने चाहिए. तो रीहीटेड ऑयल्स तो बिल्कुल यूज़ नहीं होने चाहिए. लीफी टॉप ऑफ कैरेट रेडिश शुड बी यूज इन कुकिंग. जो मूली के पत्ते या ऐसे पत्ते होते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन न्यूट्रिशन. तो ऐसी लीव्स को कुकिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए. यूज ओनली आयोडाइज सॉल्ट. जो भी आयोडाइज सॉल्ट है सिर्फ वही यूज़ होना चाहिए. नेक्स्ट है कैलोरी कितनी मिलनी चाहिए. तो प्राइमरी चाइल्ड जो है, मतलब जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक का चाइल्ड है, उसको 450 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए. और जो अपर प्राइमरी क्लास का चाइल्ड है उसको 700 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट प्रोटीन 12 ग्राम फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास ऑफ प्राइमरी चाइल्ड के लिए. अपर प्राइमरी चाइल्ड के लिए 20 ग्राम मीन 6 टू 8 क्लास के जो बच्चे हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलनी चाहिए, लाइक आयरन, फॉलिक एसिड एंड वाइटामिन ए. इसकी ये लोग टैबलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं आंगनवाड़ी में, बच्चों को, प्रेग्नेंट मदर्स को भी करते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिशनल नॉर्म प्रेजेंस, ये बता चुके हूँ. 450 कैलोरीज 12 ग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, 700 किलो कैलोरी और 20 ग्राम्स अपर प्राइमरी बच्चों के लिए. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिड डे मील, क्या क्या होना चाहिए. राइस, ठीक है, क्या क्या यूज़ करते हैं. तुअर दाल, येलो पीस ऑयल, जीरा, टर्मेरिक, मस्टर्ड, ड्राई चिली, सॉल्ट, जेगरी. बेनिफिट्स क्या क्या है, अब हमने इतना पढ़ा कि इससे हमें आइडिया भी हो गया कि क्या क्या बेनिफिट है. एडमिशन एनहेंस हो रहा है, इसे मैंने पहले भी बताया क्या हो रहा है, बच्चों का एडमिशन एनहेंस हो रहा है. मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि एटलीस्ट इनको एक टाइम का मील तो स्कूल से मिल रहा है, तो एक टाइम का मील उनको प्रिपेयर बच्चों के लिए नहीं करना पड़ेगा. चिल्ड्रेन अटेंड स्कूल रेगुलरली. इसी चक्कर में क्या होता है, बच्चे भी इंटरेस्ट से आते हैं और स्कूल को अटेंड करते हैं, क्योंकि दे नो कि उनको मिड डे मील भी मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है. फैसिलिटेट हेल्थ ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी हेल्दी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. हेल्दी ग्रोथ, न्यूट्रिशन मिल रहा है बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से. जो प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को एक हेल्दी ग्रोथ भी प्रोवाइड हो रही है. साथ में बच्चों को एजुकेशन भी मिल रहा है. अपॉर्चुनिटी टू इम्पैक्ट वेरियस गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन, एग्जाम्पल हैंड वॉशिंग. अब जैसे वहाँ पे सिखाते भी है बच्चों को हैंड वॉशिंग करना बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, तो ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ भी बच्चों में क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. फॉस्टर सोशल इक्वालिटी हो रही है. हेल्प टू इनहेंस दी जेंडर इक्वालिटी भी हो रही है. जेंडर इक्वालिटी कैसे हो रही है, लोग गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या जो भी रीज़न है, तो इसकी वजह से गर्ल चाइल्ड स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन मिड डे मील के वजह से वो भी अटेंडेंस अपने बढ़ा रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स भी उन्हें स्कूल भेज रहे हैं. फैसिलिटेट कॉग्निटिव इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, नॉट ओनली फ्रॉम न्यूट्रिशन. और जो भी स्कूल्स में एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का मेंटल ग्रोथ भी होता है. सिर्फ फिजिकल नहीं, बच्चों का मेंटल ग्रोथ भी होता है, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट भी होता है. उन्हें कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, एक ग्रुप थेरेपी टाइप उनको मिलती है. नेक्स्ट है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स. तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हमारा क्या रोल है. नर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम. नर्सेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मॉनिटर करने में और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है, कैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्कीम को इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन कैसे होना है. नर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाउ.
कैसे मॉनिटरिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट असिस्टेड प्राइमरी स्कूल्स में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन नर्सेस का क्या रोल है? मॉनिटरिंग करने में, बच्चों को मॉनिटर करने में और इम्प्लीमेंट करने में यह स्कीम को ऑल ओवर द स्टेट। नर्सेस कैन मॉनिटर द स्कीम ऑन डेली रोस्टर बेसिस। डेली रोस्टर बेसिस पे क्या करते हैं, स्कीम को मॉनिटर कर सकते हैं। नर्सेस मॉनिटर द क्लीनिनेस इन कुकिंग एंड सर्विंग प्लेसेस। जो भी कुकिंग है वो वॉश्ड, जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं एयर टाइट कंटेनर में थे कि नहीं, वॉश्ड हुए कि नहीं बिफोर कुकिंग एंड सर्विंग प्लेसेस कैसी हैं, क्लीन है कि नहीं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। असिस्ट इन प्रिपेयरिंग द मेन्यू फॉर मील। जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी मेन्यू प्रिपेयर हो रहा है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो उसको असेस कर सकते हैं कि जो मेन्यू जो प्रिपेयर हो रहा है वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है। जितने भी अमाउंट रिकमेंडेड हैं बच्चों के लिए, जितने भी बताया गया है कितने किलो कैलोरीज और प्रोटीन मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। नर्सेज एडुकेट द स्टाफ अबाउट द गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड फूड हाइजीन। एडुकेट कर सकते हैं स्टाफ को कुकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, कैसे कुकिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और फूड हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, क्या करेक्ट वे है फूड स्टोरिंग का और क्या करेक्ट वे है प्रिपेयरिंग का। नर्सेस कैन एडुकेट द स्टूडेंट रिगार्डिंग द फूड हैबिट। स्टूडेंट्स को एडुकेट कर सकते हैं फूड हैबिट्स के रिगार्डिंग। समरी, मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम इज प्रैक्टिस इन इंडिया 1961 विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 से ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया। मेन मोटिव क्या था? एडमिशन को इंक्रीज करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों के इम्प्रूव करना जिससे कि माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स ना आए, दूसरा बच्चों की अटेंडेंस को और रिटेंशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। इन 2005 प्रोग्राम बिकेम द यूनिवर्सलाइज्ड आफ्टर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रोग्राम यूनिवर्सलाइज हो गया, मीन्स पूरे इंडिया में ये स्प्रेड हो गया। हर एक गवर्नमेंट स्कूल, हर एक गवर्नमेंट जो भी असिस्टेड प्राइमरी स्कूल से, सिर्फ प्राइमरी नहीं अपर प्राइमरी बच्चों के लिए भी ये इंक्लूडेड हो गया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट द प्राइमरी एडुकेशन वॉज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 1995। द मील प्रोवाइडेड इज एन सप्लीमेंट नॉट द सब्स्टिट्यूट। जो भी मील प्रोवाइड हो रहा है वो एक सप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है होम डाइट का। मतलब होम डाइट का 1/3 सिर्फ किलो कैलोरी बच्चों को मिलेगा और हाफ ऑफ द प्रोटीन ही मिलेगा, बाकी को बच्चों को जो भी न्यूट्रिशनल जो भी बच्चों की है वो होम डाइट से मिलेंगी। द प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय प्राइमरी स्कूल। पहले प्राइमरी बताया था, जिससे पहले प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद फिर वो एक्सटेंड होके 6 to 8 तक के बच्चों के लिए भी हो गया, मीन्स अपर प्राइमरी के लिए भी हो गया। ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्रूव एनरोलमेंट, एनरोलमेंट बढ़ाना था बच्चों का, और रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स। जो भी बच्चों के ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे थे, वे बच्चों के बहुत रीजंस होते हैं ड्रॉप आउट्स के लिए, लाइक अगर रिमोट एरिया में देखो तो बच्चों को फील्ड में काम करना रहता है या कोई भी काम की वजह से ड्रॉप आउट्स बढ़ जाते हैं, तो उसको इम्प्रूव करना था। इम्प्रूव एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कोर्स। मील आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग द समर, इवन समर वेकेशन तक में मील प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को। कंक्लूजन, टू कंक्लूड लेट मी रिमाइंड यू दैट इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग डेफिनेशन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। फर्दर वी डिस्कस्ड अबाउट मिड डे मील स्कीम, इट्स पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट। लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट नर्सेज रोल इन प्रोग्राम। दिस इज बिब्लियोग्राफी। थैंक यू।